हाई फाई सोसाइटी में चला गांधी का चरखा। मशीन है जो गांधी जी के परंपरा को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि जरूरी है। हमारे देश में आने वाली पीढ़ियां ये चीज़ भूल रही हैं, तो खादी के कपड़ों के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है हमारे परंपरा को बनाने के लिए। तो क्या लगता है आपको, अगर खादी अधिक से अधिक लोग पहनेंगे, अगर युवा वर्ग खादी पर इंटरेस्ट करे, तो इन ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा? हाँ, काफ़ी सुधार भी आएगा। और लोगों को ये लगता है न्यू ट्रेंड के लिए, तो हम खादी में भी बहुत सारी चीज़ें नए ट्रेंड में ला के पहन सकते हैं। इसको भी हम मॉडर्न तरीके से पहन सकते हैं, जो खादी भी रहे, जो परंपरा बरकरार भी रहे, लोग फैशन को भी अपना सकते हैं। वाराणसी के आईपी मॉल में ग्रामीण महिलाओं ने चरखा चलाकर लोगों को किया खादी के प्रति जागरूक। नहीं, ये बहुत ही अच्छी सोच है। ये कम से कम खादी का प्रचार हो रहा है और गांधी जयंती के ये शुभ अवसर पर हो रहा है कि बापू के जन्म दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गांव से शहर की तरफ इसको लाकर प्रचार प्रसार किया जाए। मैं समझता हूँ खादी के बगैर जीवन अधूरा है। खादी वस्त्र नहीं, विचार है। तो इस विचार को धारण करेंगे तो निश्चित तौर से चीज़ें बदलेंगी और देश हमारा समृद्ध होगा, मजबूत होगा। कि बगैर खादी के केवल आप पाश्चात जो हमारी संस्कृति की जो चीज़ें उसको आप हम उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और खादी की तरफ झुकाव हो। मैं समझता हूँ कि ये ग्रामीण महिलाओं को जो लाकर यहाँ आज यहाँ पे ये जो किया जा रहा है, सूत काटने का जो डेमोंस्ट्रेशन किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती का, जो है हम लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और आज स्वच्छता अभियान भी चलाए हैं और खादी का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों में जागरूक करने के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हम जो है माल में इसको लेकर आए हैं, जिससे खादी की बिक्री बढ़े और साथ ही लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़े। अगर 1 मीटर कोई कपड़ा खरीदता है तो कम से कम 3 परिवार के लिए हम उसका एक साथ उपयोग करते हैं। पहला धुनाई वाले को मिलता है, फिर कताई वाले को मिलता है, फिर बुनाई वाले को मिलता है और इससे जो है एक परिवार का बहुत आसानी से जो है हम आजीविका चला सकते हैं। और हमारा ये पहल है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है किस लक्ष्य तक पूर्ति कर सके, जिससे कि इनकी जो है आजीविका और रहन सहन में इनके सुधार आ सके।